वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं मोहन सिंह सपुत्र सरदार जोगिंदर सिंह पिंड देवीदास तो आप जी दे नाल इत्थे जो डेरा बाबा नानक नूं डेरा बाबा नानक संघ दे रूप विच पैदल संघ जांदा है उहदे संबंध विच कुछ थोड़ी जिही जानकारी दे रहा हां। ये संघ अज तो कोई 50-60 साल पहला दसूए तो उपर चंडीदास रिशपालमा आदि पिंडा तो चल के दसूए एक बड़ा कठ के रूप में तुरदा है। रस्ते उच्ची बसी तो गां अगे साडा यह जो सीनियर सैकेंडरी स्कूल लमीण जीटी रोड उत्ते जगह है साढ़े ये जगह जो कि साढ़े पिंड दे एक परिवार वालों दान दे रूप में दिती गई है। इत्थे हर साल श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे अखंड पाठ आरंभे जाते हैं जो कि फिक्स डेट 28 फरवरी या 29 फरवरी नूं रख के जिन्हां दे भोग 2 मार्च नूं पैंदे हन। अते इह संघ विच पिंड देवीदास बाजा चक गौंसपुर लमीण साहबदा पिंड उच्ची बसी तकरीबन समूह इलाके की संगत इकट्ठे हो के इकट्ठे योगदान इस संघ नूं दी जिया कहण वास्ते सारी श्रद्धा भावना दे नाल अपना योगदान पाउंदे हन। जिस दिन तो अखंड पाठ साहब आरंभे जाते हैं उस दिन तो ही चाह पकौड़े होर मिठाइया दे ते गुरु का लंगर टुट वरतदा है। तो ये तिने दिन भोग वाले दिन अखंड पाठ साहब तो बाद कथा कीर्तन विचारा होंदियां जिहदे विच के इस बहुत ही महान ढाडी जथे कीर्तन ते अपनियां ढाडियां वारां गा के संगत दा निहाल करदे आ। ते संघ इत्थे तकरीबन 1-2 बजे पहुँचता है जिहदा कि लंगर पानी इत्थों छक के फिर ये गांह चाले पाउंदा है ते नशहरा पत्तन हुंदा होया जां जोड़ा छत्रा ते स्टे करके ये डेरा बाबा नानक नूं मिथे हुए समय ते जाके पहुँचता है ते उत्थे गुरु महाराज दे चोला साहब दे दर्शन करन उपरंत उत्थों संघ दे रूप च वापस जांदा है। ते असीं महाराज गढ़ी इह अरदास करदे हाँ कि इस समूह इलाके की संगत नूं परमात्मा इसे तरह ही उत्साह बख्शे ते इह संघ गां भी आने वाली पीढ़िया ते महाराज दे चंग चढ़दी कला जी प्रोग्राम बनते रहन। कुछ कहिंदा होया मैं, धन्नवाद हां। वाहिगुरू जी खालसा।